सलिल बुलडोजर भांगिल घर शासनाधिष्ठित योगी सरकार एबार यूटर्न बुलडोजारे भांगि दिया हल बीजेपी नेतार प्रसाद उपम अट्टालिका तार पाछत जनतार समस्या चियर उत्तर प्रदेश आरक्षीर घोषणा पलातक बीजेपी नेतार खबर दिउतक दिया हब 25,000 टकार पुरस्कार नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचना दे सकता है। एगराकी उत्तर प्रदेशर बीजेपीर सांसद महेश शर्मा किन्तु एउ घटनाटोर खलनायक नहय एखेतर तत्परताते आरक्षी प्रशासने गुंडा प्रकृति बीजेपी नेतार विरुद्ध कठोर सिद्धांत पूछिए उनके कमिश्नर से, मैंने जब लकुमार को फोन किया जब रणवीर को तब यहाँ पुलिस आई है, मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ये कहते हुए हमारी सरकार पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी सोसाइटी की देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। असलते घटना तो असल एने धरनर एगराकी बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी और एगराकी अभद्र तथा गुंडा प्रकृतिर नेता ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी नामर ए अट्टालिकाटोर प्रवेश द्वार अश्लील शब्दरे सकलोरे सम्मुखत एगराकी महिलाक गाली गलाज करिछिल नेतागराकीये व्यवहार करा शब्द इमाने अश्लील आसिल जे आमी ए समयत ए मंतव्य आमी आपोनालोकक शुनाब नोवारो और एगराकी बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी महिलागराकीक राजहुवाकै अपमान करि गुछि जोवार पाछते हे एकेटा निखाय नेतागराकी 15 जनिया एटा गुंडा बाहिनीये महिलागराकीक मृत्युर भाबुकि दिबोले प्रवेश करिछिल अट्टालिकात। কিন্তু আরক্ষীক খবর দিয়াত গুন্ডা দলটো পলাবলৈ চেষ্টা করে যদিও ইয়াৰে 5 জন যুবকক ঘটনাস্থলীতে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আরক্ষী। কিন্তু কিছু পলমকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা নয়ডা আরক্ষীৰ বিৰুদ্ধে খৰ্গহস্ত হৈ পৰে অট্টালিকাটোৰ বাসিন্দাসকলে। পৰিস্থিতিৰ বিষম ৰূপ লোৱাৰ পাছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় এগৰাকী সাংসদ মহেশ শর্মা আৰু সাংসদগৰাকীৰ তৎপৰতাতে আৰক্ষীয়ে তৎপৰ হৈ পৰে বিজেপিৰ গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ নেতা শ্ৰীকান্ত ত্যাগীৰ বিৰুদ্ধে। ফলত সোমবাৰে পুৱা আৰক্ষীয়ে পলাতক ত্যাগীক বিচাৰি নাপায়। ত্যাগীয়ে অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰকাণ্ড অট্টালিকাটো বুলডোজাৰ লগাই ভাঙি দিয়ে। ইফালে পলাতক বিজেপিৰ গুণ্ডা নেতা শ্ৰীকান্ত ত্যাগীৰ খবৰ দিওঁতাক 25,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে। এই ঘটনার পাছত বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক একশন লওয়া স্থানীয় বাসিন্দায় সমস্যরে গুণগান গায় যোগী সরকারের। অসম লাইভ 24 ডিজিটাল ডেস্ক।